हमने पिछले हिस्से में देखा कि आलोक चेंग से कहता है कि तारुफ तो यह तरफा हुआ। अब इससे आगे जो है हम उसको समझते हैं। चेंग कहता है हमारे नाम का तुझे पता चलेगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चेंग ने गरजते हुए कहा, ठीक है, आपको अगर अपना नाम बताने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है तो ना बताए। आलोक के चेहरे पर तंज दिखाई दे रहा था। चेंग शर्मिंदा हो गया। हमेशा उसके सामने लाए हुए तालिब इल्म पहले ही नर्म हो जाते थे, उसे पलटकर जवाब देने वाला पहली मर्तबा कोई मिला था। मैं इस कमेटी का चेयरमैन, उसने दूसरों के नाम बताए और आगे कहने लगा, तेरे सामने जो रखा है वो कर नहीं होगा, वो अगर नापसंदीदा होगा तो आगे ढकलने का सवाल पैदा ही नहीं होता। लेकिन जब तक तू पसंदीदा या नापसंदीदा है उस बात का मुझे कोई इल्म नहीं, तब तक मैं टाइम पास कर रहा हूं, ऐसा कहना मुनासिब नहीं होगा। आलोक से बहस करता रहा तो मैं अपना दिमाग नहीं कर पा, अपनी जो हिफाजत नहीं कर पाऊंगा। अब तक चेंग को इस बात का इल्म हो गया था, वो सीधा अपने पॉइंट पर आया। हम हर नए तालिब इल्म को तीन काम करने के लिए कहते हैं, वो इसने सही ढंग से किया तो ठीक है, नहीं तो उसे हम लोग जो सजा देंगे वो उसे भुगतना पड़ेगी। यहाँ की रस्म ही है ये, क्यों मत पूछना। रस्म है ये कहने के बाद क्यों पूछना नहीं चाहिए, इसका मुझे इल्म है, लेकिन एक हटकर सवाल पूछूं। चेंग कहते हैं, पूछो, आप जो काम मुझे करने के लिए कहने वाले हो वो मुमकिन इस जिम्र के होने चाहिए, ऐसी तवक्का करता हूँ, क्योंकि अगर वो नामुमकिन साबित हुए तो मुझे करने के लिए कहना कोई मानी नहीं रखता। आप मुझे जबरन सजा देने के लिए लाए, ऐसा इसका मतलब होगा। चेंग की कमेटी का दावा है कि हम बिला वजह सजा नहीं देते, इससे मुखातिब करके आलोक का सवाल था। चेंग को पहले के तजुर्बे से इस बात का इल्म था कि वो जो काम करने के लिए कहेगा वो मुमकिन इस जिम्र के है, तो भी इतने मुश्किल है कि उसे देखकर कोई भी तालिब इल्म घबरा जाएगा। उसके पास ऐसे कामों की बड़ी फहरिस्त थी, इसमें कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, इसकी मैं गवाही देता हूँ। इसने ईमानदारी से कहा, उसने ताली बजाई और पहले काम की तैयारी कीजिए। इसके हम जमातों ने 4 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा ऐसा एक गालीचा इस हॉल की फर्शी पर फैलाया। फिर चेंग ने कहा, जो काम कहूंगा उसे आपको करना होगा।